ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है क्रॉस सेक्शनल स्टडी। क्रॉस सेक्शनल स्टडी आपको थ्योरी में वेरी शॉर्ट नोट में आपको पूछा जा सकता है। वेरी शॉर्ट नोट आपको क्रॉस सेक्शनल स्टडी पे आता है। वाइवा में भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो शुरू करते हैं क्रॉस सेक्शनल स्टडी। सबसे पहली चीज़, क्रॉस सेक्शनल स्टडी का मतलब क्या होता है? याद है मैंने कहा था कि इसको प्रेवलेंस स्टडी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि हम ना एक पर्टिकुलर समय पे ही निकालते हैं। हमने क्या किया, एक समय सिलेक्ट किया, उसमें हमने एक स्टडी पॉपुलेशन को सिलेक्ट किया। हमने एक स्टडी पॉपुलेशन को सिलेक्ट किया और उससे ना हम एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल लेते हैं। याद रखना कि हम पूरी स्टडी पॉपुलेशन पे नहीं करते हैं। हमने ये कहा कि हम आज 2017 बैच की लेते हैं, तो हम 2017 बैच को सिलेक्ट किया हमने, और 2017 बैच में हमको चेक करना है कि ओबेसिटी का प्रिवलेंस कितना है। तो हमने 2017 बैच के पूरे 150 बच्चों को नहीं लिया, हमने क्या किया, 2017 बैच के करीब 50 बच्चों को लिया। हमने सैम्पलिंग किया, वो अलग टॉपिक है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग की या कौन सी की। हमने 50 लोगों को सिलेक्ट किया, विच वर द सैम्पल और रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल ऑफ द स्टडी पॉपुलेशन। अब इन 50 लोगों में से हमने देखा कि एक्सपोजर, अब एक्सपोजर क्या है, हम ये देख रहे हैं कि हाई कैलोरी डाइट से हम रिलेशन निकालना चाहते हैं, हाई कैलोरी डाइट और ओबेसिटी में। तो एक्सपोजर क्या हो गया, हाई कैलोरी डाइट, उन 17 बैच में से कौन कौन लोग खाते थे और कौन कौन लोग नहीं खाते थे, फिर जो हाई कैलोरी डाइट लेते थे उनमें से किसको ओबेसिटी हुई, किसको ओबेसिटी नहीं हुई, या जो हाई कैलोरी डाइट नहीं खाते थे उनमें से किसको ओबेसिटी हुई और किसको ओबेसिटी नहीं हुई। सिंपल, ये ना एक तरह का स्नैपशॉट है जो हम फ़ोन पर नहीं लेते हैं कि भाई एक पर्टिकुलर टाइम पर उस जगह की फ़ोटो खींच ली। बस क्रॉस सेक्शनल स्टडी बस वही होती है, एक समय सेलेक्ट किया और बस उसी समय में सब कुछ हो जाएगा। केस कंट्रोल स्टडी टाइप नहीं कि हम समय से पीछे जा रहे हैं, हिस्ट्री ले फलाने का कुछ नहीं। हम कोहार्ट स्टडी टाइप भी नहीं कि हम समय से आगे जा रहे हैं, फॉलो अप करना कुछ नहीं करना है। क्रॉस सेक्शनल स्टडी में सिंपल एक स्नैपशॉट ले लिया, यानी कि आपने एक स्टडी पॉपुलेशन डिसाइड की, उसमें से आपने सैंपल सेलेक्ट किया, उसमें से आपने देखा कितने लोग एक्सपोज थे, कितने लोग एक्सपोज नहीं थे, और जो एक्सपोज थे उनमें से कितनों को बीमारी है और कितनों को बीमारी नहीं है इस वक्त, कितनों को, जो नॉन एक्सपोज थे उनमें से कितनों को बीमारी है इस वक्त, कितनों को बीमारी नहीं है इस वक्त। बस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आप प्रिवलेंस निकालते हो। प्रिवलेंस का मतलब क्या होता था और याद है, प्रिवलेंस का मतलब होता था न्यू केसेस प्लस ओल्ड केसेस। सिर्फ न्यू केसेस को क्या कहते हैं, इंसिडेंस। ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। तो इतनी जानकारी के बाद हम आते हैं कि क्या क्या पॉइंट हमें पता होने चाहिए क्रॉस सेक्शनल स्टडी में। सबसे पहली चीज़ तो इसको क्या कहते हैं, इसको प्रिवलेंस सर्वे कहते हैं। अब इसमें ना एक्सपोजर भी हो चुका है, आउटकम भी हो चुका है। हमने क्या कहा, एक स्नैपशॉट ले लिया। उस वक्त हमने उनसे पूछा कि भैया आप सिगरेट पीते हो, आप सिगरेट नहीं पीते हो, आपको लंग कैंसर है, आपको लंग कैंसर है। बस उस वक्त एक्सपोजर भी हो चुका है, आउटकम भी हो चुका है, दोनों एक साथ कोएग्जिस्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, मैंने क्या कहा था, एक स्नैपशॉट जैसे लेते हो, यानी कि आप सिंगल एग्जामिनेशन सिर्फ एक बार जाके अपनी स्टडी पॉपुलेशन से मिलते हो। एक पर्टिकुलर समय पे सिर्फ एक बार मिलोगे, पूरी पॉपुलेशन से भी मिलने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सैंपल से आप मिलोगे, और वो जो सैंपल होगा ना वो होगा रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होल पॉपुलेशन। तो कुछ पॉइंट जो आपको याद रखने हैं वो यही हैं कि आप पूरी पॉपुलेशन से नहीं मिलते हो, सिर्फ एक सैंपल से मिलते हो, सिर्फ एक बार मिलते हो, और उसी नज़र में आप देख लेते हो कितनों को बीमारी है, कितनों को बीमारी नहीं है, और उससे पहले कि कितनों को एक्सपोजर हुआ, कितनों को एक्सपोजर नहीं हुआ। सिंपल, दैट इज़ योर क्रॉस सेक्शनल स्टडी। बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म होता है ऑब्जर्वेशनल एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी का। सिंपलेस्ट क्यों, क्योंकि बस आपको एक बार मिलना है, कोई फॉलोअप नहीं, कुछ नहीं, बस मिले और ख़त्म हो गया। तो इसीलिए लीस्ट टाइम कंज्यूमिंग स्टडी ये होती है। एडवांटेजेस क्या क्या हैं, एडवांटेजेस हैं कि भाई एक तरह का स्नैपशॉट ही है कि आप बस एक बार मिले और आपने एक बार मिलके ही डिसाइड कर लिया कि भाई किसको है किसको नहीं है। जो आपको मिला आपको प्रिवलेंस बता देता है। प्रिवलेंस का मतलब क्या होता है, न्यू केसेस प्लस ओल्ड केसेस। आपको उस वक्त पता चल गई कि वो बीमारी कितनी है उस पॉपुलेशन में, और ये क्रॉनिक डिजीजेस के लिए बहुत अच्छा। तब क्रॉनिक डिजीज बहुत लंबे समय से बीमारी चली आ रही है, तो आपको उस बीमारी के बहुत सारे केसेस मिल जाएंगे, तो प्रिवलेंस ज़्यादा हो जाएगा।
आपको पैटर्न ऑफ डिजीज पता चल जाता है कि किस उम्र में कितने हैं, किस उम्र में कितनी बीमारी वो मिलती है। आपको पैटर्न ऑफ डिजीज पता चल जाता है कि किस वक्त कितनी मिलती है, क्योंकि आपने एक समय में जो सैंपल लिया उसमें अलग अलग एज ग्रुप के भी हो सकते हैं, तो आपको पैटर्न भी मिल जाता है। डिसएडवांटेजेस क्या हैं, याद रखना ये उस बीमारी का डिस्ट्रीब्यूशन बताता है मगर एटियोलॉजी नहीं बताता। एटियोलॉजी आप कंफर्म नहीं कर सकते इसी वजह से हुई होगी। आपने क्या किया उस वक्त, देख लिया कि भैया ओबेसिटी कितनी है। हाँ आप बोल सकते हो हाई कैलोरी डाइट, हो सकता है कि भैया और किन्हीं वजहों से ओबेसिटी हो, बहुत सारी चीज़ों से हो सकती है, तो आप डिस्ट्रीब्यूशन तो बता सकते हो, यानी कि आप प्रिवलेंस तो बता सकते हो, लेकिन एटियोलॉजी उसकी कंफर्म कंफर्म नहीं बता सकते। ये इसका एक डिसएडवांटेज है। वही है कि भैया आप कॉजलिटी को एस्टैब्लिश विद टाइम सीक्वेंस नहीं किया। हमने कहा था कि समय के साथ बीमारी बढ़ रही है कि घट रही है, जो हमने कोहार्ट में देखा था वो भी नहीं हो सकता क्योंकि कोई टाइम सीक्वेंस ही नहीं है ना। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे आपने जाके देख लिया कि कितनों को एक्सपोजर है और नहीं है, उनमें से कितनों को बीमारी हुई और कितनों को बीमारी नहीं हुई, खत्म। टाइम सीक्वेंस तो है ही नहीं कि इतने समय के साथ इतने केसेस मिलते जा रहे हैं, तो ऐसा 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 इस टाइप का कुछ नहीं होने वाला है। एक पॉइंट ऑफ टाइम में आपको बता दिया है कि भैया प्रेवलेंस कितना है उस बीमारी का, खत्म बात। तो इतनी चीज़ें हैं जो आपको क्रॉस सेक्शनल स्टडी के तहत पता होनी चाहिए। तो हमने क्या क्या देखा क्रॉस सेक्शनल स्टडी में, हमने क्रॉस सेक्शनल स्टडी में देखा कि एक पॉइंट ऑफ टाइम में आपको स्टडी पॉपुलेशन रहती है, उसके रिप्रेजेंटेटिव सैंपल लेते हो, एक्सपोज कितने हैं नॉन एक्सपोज कितने हैं ये देखते हो, एक्सपोज में कितनों की बीमारी है कितनों की बीमारी नहीं है ये देखते हो, नॉट एक्सपोज में भी यही देखते हो। क्या कहते हैं इसको, प्रेवलेंस सर्वे कहते हैं इसको, और एक्सपोजर आउटकम एक साथ ही रहते हैं, एक ही बार मिलना है, बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म है, लीस्ट टाइम कंज्यूमिंग है, एक तरह का स्नैपशॉट होता है, प्रेवलेंस देता है, क्रॉनिक डिजीज़ के लिए अच्छा है, पैटर्न बताता है, डिस्ट्रीब्यूशन बताता है, एटियोलॉजी नहीं बताता। उसके बाद अगर हम थ्योरी की बात करें तो थ्योरी में इसमें वेरी शॉर्ट नोट या शॉर्ट नोट आपको आ सकता है तो पता होना चाहिए। अगर मैं वाइवा की बात करूँ तो वाइवा में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट वो पूछते हैं, दैट इज़ कि सिंगल टाइम मिलता है और आप सैंपल को लेते हो, पूरी पॉपुलेशन को नहीं लेते हो, तो ये आपसे वाइवा में कई बार पूछा जाता है। वाइवा में आपसे ये भी पूछा जाता है कि प्रिवलेंस कौन सी स्टडी से निकालते हैं, तो प्रिवलेंस क्रॉस सेक्शनल स्टडी से निकालते हैं, ये भी आपसे वाइवा में पूछा जाता है। वाइवा में आपसे ये पॉइंट भी पूछा जाता है, क्या एटियोलॉजी निकाल सकते हैं, तो नहीं, बहुत मुश्किल है। अगर मैं पीजी एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात करूँ तो एमसीक्यूज जितने भी अंडरलाइन पार्ट हैं आपके नोट्स में और पीपीटी में, वो सारे के सारे प्रीवियस पीजी एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो एमसीक्यू आपको इस पे भी आया है कि भाई सिंगल एग्जामिनेशन के लिए कौन सी स्टडी होती है, एमसीक्यू आपको आया है कि लीस्ट टाइम कंज्यूमिंग कौन सी होती है, इसके एडवांटेजेस पे आपको सभी पे आया है कि स्नैपशॉट होता है, प्रेवलेंस निकाल सकते हैं, क्रॉनिक के लिए कौन सी अच्छी होती है, पैटर्न कौन बताता है, और आपको एमसीक्यू ये भी आया हुआ है कि एटियोलॉजी के लिए नहीं और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ठीक। तो इतनी चीज़ें हैं जो आपको क्रॉस सेक्शनल स्टडी में पता ही होनी चाहिए।